हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकेज डिजीज के बारे में। ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर मुंह के अंदर जेनेटल एरिया के अंदर अल्सर्स आते हैं स्किन में, म्यूकस एरिया में, और इसके साथ साथ आईज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है आंखों के अंदर। तो ये तीन बेसिकली तीन ट्राइड ऑफ सिम्टम्स है, तीन सिम्टम्स अलग अलग हैं जो बेकेज डिजीज को डायग्नोज करते हैं। तो ये डिजीज़ जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से ये जल्दी जाता नहीं है, कुछ माइल्ड स्टेजेस रह सकते हैं, कुछ सीवियर फॉर्म्स रह सकते हैं, लेकिन ये अपने आप जाता नहीं है, काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक रह सकता है। इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट इसको सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो इसका रिकरेंस है, बार बार होना, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट बेकेज डिजीज के लिए काफ़ी यूजफुल है, इससे अच्छे रिजल्ट काफ़ी आते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है जो 10 साल 12 साल पहले क्योर हो चुके हैं और उसके बाद फिर से दोबारा रिकरेंस हुआ नहीं है। तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इसका जो है, इसके अंदर ओरल मेडिकेशन रहता है, और इसके अलावा जैसे जैसे स्टेजेस हैं डिजीज के, उसके हिसाब से अलग अलग पंचकर्म मोडालिटीज, इसके अंदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर रक्तमोक्षण यूज कर सकते हैं या फिर बस्ती यूज कर सकते हैं। अक्सर हम देखे हैं कि तिक्त क्षीर बस्ती जो है इसके अंदर काफ़ी यूजफुल है ओरल मेडिकेशन के साथ में। तो लगभग एक 4 से 6 महीने तक के या एक 8 महीने तक ज़्यादा ज़्यादा अगर ट्रीटमेंट की जाए तो बेकेज डिजीज़ को पूरा क्योर किया जा सकता है और उसका रिकरेंस भी रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ बेकेज डिजीज़ और उसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।